अनेक लोग ध्यान की जिज्ञासा से मेरे पास आते हैं, ध्यान के संबंध में बहुत बात करते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं कि हमारा मन ध्यान में लगता ही नहीं, 5-10 मिनट बैठते हैं और विचार आने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होगा ही, क्योंकि मन वहीं लगता है जहां मन रमता है, जहां मन की रुचि होती है। हमने मन को ध्यान में कभी नहीं लगाया। मन सदा दौड़ा है संसार की ओर, और जहां मन की रुचि होगी मन वहीं दौड़ दौड़ कर जाएगा। मन तो पानी के समान है, जहां ढलान दिखी वहीं बह उठा। अब मैं उन लोगों से एक सवाल करता हूं कि तुम लोग कहते हो कि हमारा ध्यान नहीं लगता, हम 10 मिनट ध्यान में नहीं बैठ सकते, तो मुझे एक बात बताइए, जब आप सिनेमा हॉल जाते हैं तो 3 घंटे एक फिल्म में कैसे बैठ जाते हैं? कैसे बड़े मन से वो फिल्म देखते हैं? उस समय वह व्यक्ति कौन होता है जो सिनेमा हॉल में बैठा आनंदित हो रहा होता है? वो तुम ही तो होते हो, तुम्हारा ही तो मन होता है। 3 घंटे सिनेमा हॉल में तुम लोग बैठ सकते हो, वहां तुम कभी नहीं कहते कि हम क्या करें, हमारा मन सिनेमा में नहीं लगता, हमारा मन फिल्म में नहीं लगता, बल्कि प्रतीक्षा रहती है कि अगले सप्ताह कौन सी फिल्म आ रही है और हम पूरे परिवार के साथ सज धज कर वो फिल्म देखने जाएं। एक फिल्म देखने जाने के लिए अमूमन एक परिवार 2 घंटे पहले से तैयारी शुरू कर देता है। घर के सब लोग सजते हैं, संवरते हैं, सिनेमा हॉल की महंगी से महंगी टिकट लेते हैं, फिर रात का भोजन बाहर करते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर कम से कम 5 घंटे एक फिल्म को देखने के लिए वो अपनी जिंदगी के खर्च कर देते हैं। और ध्यान के लिए कोई आवश्यकता नहीं। कभी ध्यान के लिए अपने परिवार के साथ नहीं बैठेंगे, कभी नहीं कहेंगे अपने पूरे परिवार को कि आओ चलो आज 1 घंटा हम बैठते हैं ध्यान के लिए। 1 घंटा तो बहुत 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 बड़ी बात है। 10 मिनट भी पूरा परिवार एक साथ मौन होकर उस परमपिता परमेश्वर के लिए शांत नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि मन को वहां कभी रमाया नहीं, मन को वहां कभी झुकाया नहीं, मन का कभी वहां रस नहीं जगाया, और हम उसके बाद बस बहाने लगाते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता। और ध्यान आज के युग में बहुत ज्यादा तो एक फैशन की चीज बन गया है, बिल्कुल फैशन। लोग कहते हैं हमने इस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का कोर्स किया है, वो कोर्स गिना देते हैं जैसे डिग्रियां गिनाते हैं कि मैंने इतने कोर्स किए। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जितने भी कोर्स आपने किए उनमें से किस कोर्स पर आप कितने दिन चले, उन कोर्सों का क्या लाभ हुआ? उन्होंने आपको कुछ हिदायतें दी होंगी, कुछ संकेत दिए होंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होंगी कि हमारे कोर्स करने के बाद इन इन चीज़ों का पालन करना, इनको फॉलो करना। क्या किया? लोग कहते हैं नहीं, समय नहीं मिला। तो ठीक है, मन जिसमें आपका समय लगाना चाहता है उसमें लगने दीजिए। जिस दिन आपको ये महसूस हो सच में कि अब यात्रा उस अनंत की ओर भी करनी है, तब अपने मन को थोड़ा साधने का अभ्यास करवाइए। मन के अभ्यास की आवश्यकता है और कुछ नहीं, सारा खेल मन का है।